अभी के बज रहे हैं 8:10 और इतने अंधेरे में हम जा रहे हैं अपने घर की ओर। एक्चुअली डॉक्टर जो है, डॉक्टर थोड़ा लेट से आ गए थे तो चेकअप करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। और इतना गर्मी लग रहा है ना गाइस, क्या बताए, मतलब पूरा पसीना पसीना हो चुका है। पापा जी इधर देखिए क्या कर रहे हैं, चड्डू उठा रहा हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द ब्लॉगिंग माउस में। मैं हूं मिकी और लेके आ गया हूं आप सभी के लिए एक और मज़ेदार वीडियो। तो गाइस आज हम जा रहे हैं सिलीगुड़ी, मैं और मेरे भैया सिलीगुड़ी जा रहे हैं, कुछ काम था और मैं अपने ब्लॉगिंग के लिए भी कुछ लेने वाला हूं। तो क्या लेने वाला हूं वो आप ब्लॉग में बने रहिए, आपको पता चलेगा। तो गाइस हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था और गाड़ी को भी हमने ब्रेकफास्ट करवा दिया था। अभी गाइस पेट्रोल का बहुत दाम बढ़ रहा है, पता नहीं क्यों इतना दाम रहेगा तो फिर तो बहुत मुश्किल। अभी हमने फ्यूल अप किया 115 रुपये लीटर। पहुंच गए बागराकोट में, तो यहाँ अब ब्रेकफास्ट के लिए रुक सकते हैं कभी भी। गाइस अभी हम पहुंच गए वासाबाड़ी। अपना लेटू है ना, लेटू लेटू का घर इधर ही है गाइस। तो उस दिन लास्ट ब्लॉग में आपने देखा था मेरा लेटू जो था वो, उसका घर यही है वासाबाड़ी में। तो आपको मिलना हो तो उससे मिल सकते हो। मैं बैठिएगा, हम सेवक में प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ का खूबसूरती और यहाँ का जो नज़ारा होता है गाइस, मैं अभी आपको दिखाऊंगा सिनेमेटिक वीडियोस के जरिए, आप तो एंजॉय कीजिए। ये देखिए गाइस, ये रास्ते पे झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। One hour later. So guys, हम सिलीगुड़ी पहुँच चुके हैं डॉक्टर के क्लिनिक के पास। तो भैया का अपॉइंटमेंट था डॉक्टर के साथ, तो भैया अभी जाएगा, उसके बाद देखते हैं। पहला स्टॉप तो यहीं पे था, उसके बाद अभी यहाँ से निकलेंगे मार्केट की ओर, तो आप बने रहिए। मास्क तो मेरे पास भी नहीं है। सिलीगुड़ी आते थे ना गाइज, आँख में पूरा धूल धूल। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों हम क्लिनिक के अंदर गए थे और जो भैया का जो अपॉइंटमेंट है वो थोड़ा लेट है, तो मैं सोचा क्यों ना जो हम आज ब्लॉगिंग के लिए जो अपना एक्सेसरीज कुछ खरीदने वाले थे तो हम मार्केट गए थे और जाके आ चुके हैं। तो आपको भी दिखाता हूँ मैंने क्या लिया है। मैंने लिया है गोरिल्ला पॉड, जो कि ब्लॉगिंग में काम आएगा मेरे, और इससे मैं ब्लॉगिंग कर सकता हूँ बहुत ही अच्छे से और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकता हूँ मैं। मैंने अपने गोरिल्ला पॉड को फ़ोन में फिट कर लिया है। ओ अच्छा, सॉरी, मैंने अपने फ़ोन को गोरिल्ला पॉड में फिट कर लिया है और बहुत ही कंफर्टेबल है और मज़ेदार है, इससे वीडियो बनाने में अब बहुत मज़ा आने वाला है। और मैंने एक और स्टेप ले लिया है अपने ब्लॉगिंग चैनल के लिए, जो ये मेरे लिए है गोरिल्ला पॉड, ये मेरे को बहुत ही मदद करने वाला है। और आने वाले वीडियोस में भी आप देख सकते हैं मैं
आपके लिए वीडियोस और अच्छे से बनाऊंगा। तो गाइस पूरे 5 घंटे हो गए लगभग, हम लोग सुबह 7:40 में निकले थे घर से और अभी भी भैया का अपॉइंटमेंट हुआ नहीं है पूरा, अभी भी वो अंदर ही है। एक्चुअली डॉक्टर जो है, डॉक्टर थोड़ा लेट से आ गए थे तो चेकअप करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, और भी पेशेंट्स बैठे हुए हैं और मैं इधर आया हूँ थोड़ा सा बाहर यहाँ बालकोनी में। भूख भी बहुत तेज का लगा है गाइस, अभी तक कुछ खाया नहीं है। आप देख सकते हैं ये पीछे का नज़ारा सिलीगुड़ी। तो जैसे ही भैया निकलता है उसके बाद चलते हैं कुछ खाते हैं, बहुत तेज भूख भी लगा है। तो गाइस फाइनली हम डॉक्टर दिखा के निकल चुके हैं, भैया भी आ गया है। तो ऑलमोस्ट 6 घंटे हो गए सुबह से मैं यहीं पे बैठा था, भैया अंदर था और भूख भी बहुत तेज का लगा है। और सिलीगुड़ी के गर्मी में तो पता नहीं गाइस, मतलब अजीब सा फील होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है। और मतलब कहाँ गर्मी है, झूठ बोल रहे हो तुम लोग, गर्मी है झूठ नहीं बोल रहे। मतलब चेहरा भी देख सकते हैं गाइस, आप काला काला से हो गया, ऐसे तो हम काले ही हैं लेकिन और थोड़ा काला हो गए। भूख भी बहुत तेज लगा है तो कुछ खाते हैं फिर मिलते हैं। चाबी कहाँ है? पीछे वाले पॉकेट में मेरा। हमारा रॉयल एनफील्ड सस्ता रॉयल एनफील्ड। अब निकले तो क्लिनिक से देखिए बहुत ज़्यादा धूप हो चुका है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रहा है और सिलीगुड़ी में तो ऐसे ही गर्मी ज़्यादा होता है, ऊपर से ये व्हीकल्स और ज़्यादा चलते हैं तो उसके कारण गर्मी और ज़्यादा होता है। गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम, इतना गर्मी लग रहा है ना गाइस क्या बताएं, मतलब पूरा पसीना पसीना हो चुका है, फेस भी पूरा काला हो चुका है। तो हम हवा तो नहीं मिला, ढूंढते ढूंढते हमें यहाँ बिरयानी का शॉप मिला जो कि माटीगढ़ा मोड़ में है। फिर यहाँ फटाफट से बिरयानी खाते हैं, अपना लंच करते हैं, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से खपड़ेल मोड़ जो कि मेरे छोटी बुआ जी का घर है, फिर वहाँ आपसे मिलते हैं। तो गाइज हमने मस्त बिरयानी खा लिया है, पेट भी भर चुका है अभी। भैया को लगता है पसंद नहीं आया बिरयानी, कैसा लगा? ठीक ठाक था। हाँ ठीक ठाक था, भैया तो बोल रहे हैं ठीक ठाक था, ठंडा हो गया था, लेकिन अपने पेट को तो सहारा चाहिए, तो खा लिया हमने। अब कहाँ जाना है? बुआ जी के पास। अब निकलेंगे खपड़ेल बाजार, छोटी वाली बुआ जी के पास। आप तो बुआ जी से भी मिलवाएंगे, आप बने रहिए ब्लॉग में। तो फाइनली गाइज हम आ चुके हैं अपने बुआ जी के घर, और ये रही मेरी बुआ जी और फूफा जी। ये अभिनव, हाय। ये कौन है? ये रुई, हाय कर दो। यूट्यूबर है ये भी? ये भी यूट्यूबर है। तेरा आईडी बता दे यूट्यूब का। टिकी अभी, जोर से बोल। टिकी अभी नहीं सुनाई दिया, शर्माने वाला यूट्यूबर। अभी गला खराब है ना। क्या बोला? टिकी बड्डी। क्या बोला? टिकी बड्डी। टिकी बड्डी तुम्हारे लिए चॉकलेट ले लाए हैं। तड़का वाला है तो लॉलीपॉप है। क्या लॉलीपॉप? कहाँ लॉलीपॉप? ये भी ले यार। नहीं वो तो पानी। हाँ चॉकलेट तो नहीं लाए हैं आज, इसका घाव हो गया है देखिए। तो बाकी डेरी मिल्क खाना है? डेरी मिल्क, इसीलिए हम सोचा कि एक चीज खाना छोड़ा जाए, वो भी कॉपी कर। ऐसे ही घाव निकलेगा तो सोए रहना। ये देखो ऐसे ही घाव निकलेगा, देखो ही। Mm-hmm.
तो गाइस हम आ चुके हैं छत पे, बुआ जी के घर के छत के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ मस्त अमरूद का पेड़ है, जब मन चाहे अमरूद खा के चल दे मेरे को छीन लिया खा सकते हैं। अमरूद कितना सारा है, बहुत सारा अमरूद है गाइस देखो। हाँ हम आया था तो पिछले बार क्या कर रहा था, बेर बहुत सारा फला हुआ था इसमें। ये बेर ही बेर, एक और अमरूद तोड़ लिया। फूफा जी इधर देखिए क्या कर रहे हैं, चड्डू उठा रहा। अरे तेरा मम्मी फूल दी है वो दिखा दे, बोलो मम्मी आपका फूल हो गया है देखिए बुआ। और ये पीला वाला फूल जो आप देख रहे हैं गाइस, ये मेरी मम्मी ने दिया था बुआ जी को लगाने के लिए, सीन दिखा उधर का सीन तो लगा हुआ है वो देख पानी पे रिफ्लेक्शन। और इधर का नज़ारा देखिए, इधर नदी भी साइड में है, जब मन चाहे जाके डुबकी मार के नहा सकते हैं हम लोग। तो अब हम निकल रहे हैं घर, बाय कर दो रोही हम लोग को, क्या हुआ है कर रही है, हम लोग निकल रहे हैं, बाय बाय। गाइस अभी हम हैं दार्जिलिंग मोड़ में और यहाँ ट्रैफिक बहुत ही अत्यधिक, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होते है गाइस। One hour later. तो गाइस अभी के बज रहे हैं 8:10 और इतने अंधेरे में हम जा रहे हैं अपने घर की ओर। अभी हम रुके हैं मांगपोंग में, बहुत ही अंधेरा है यहाँ पे, बाइक के लाइट से मैं शूट कर रहा हूँ, ये 40 मिनट्स के अराउंड लग सकता है। पानी पियोगे? हाँ पानी तो पीना पड़ेगा, डिहाइड्रेट हो जाएंगे नहीं तो। तो गाइस थोड़ा पानी पीते हैं और फिर से निकलते हैं, कुछ ही देर में घर पहुँच जाएंगे। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं घर सिलीगुड़ी के तपती धूप में और पसीना और वहां का जो ट्रैफिक था उससे संघर्ष करते हुए फाइनली घर पहुंच गए हैं। अभी टाइम हो रहा है 9 बज चुका है पूरा। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, ये मेरी आंटी जी, 10 मिनट बाकी है हाँ तो 9 बज ही गया। ब्लॉग को यहीं एंड करते हुए, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, बोलिए कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप भी बोलिए सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मत लगाना ये सब। चलिए गाइस मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। ब्रेक के